इस साइड सतपुली से आती है और आगे ये आगे जाते हुए ये देवप्रयाग में मिल जाती है। तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग आप सभी को और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो सुबह के करीबन 9 बज रहे हैं और आज वेदर आप देख सकते हैं, बिल्कुल एकदम क्लियर वेदर है आज, कोई भी बादल नहीं लगे हुए आसमान में। मतलब आज पड़ने वाली है एकदम कड़ाके वाली धूप और कड़ाके की गर्मी, क्योंकि पिछले लगभग एक वीक से डेली बारिश हो रही थी, डेली वेदर ख़राब था। बट अभी भी कुछ नहीं कह सकते कि अभी एकदम क्लियर वेदर है, बादल दिख नहीं रहे, पता नहीं कब बादल आ जाएं और फिर से बारिश हो जाए। तो यहाँ से अगर मैं आपको दिखाऊं तो चारों तरफ आज पूरा क्लियर वेदर है, कहीं भी हल्के फुल्के बादल भी नहीं नज़र आ रहे। तो काफ़ी दिनों बाद, लगभग एक हफ्ते बाद आज एकदम क्लियर वेदर है। अगर आपको उधर दिखाऊं तो वहाँ पे सतपुली है, आपको मैं पिछली भी कई वीडियोस में आपको बताया, उधर सतपुली है। तो डेली अगर आप देखो ना तो डेली वहाँ पे बादल लगे होते थे, मतलब एकदम फॉगी फॉगी वेदर रहता था। तो वहाँ पे जो पहाड़ है ना वो दिख रहे हैं आपको, तो वो नहीं दिखते थे डेली, बट आज एकदम क्लियर वेदर है। आप देख सकते हैं उस साइड के पहाड़ भी एकदम क्लियर विजिबल हैं, तो आज देख सकते हैं। और आज गर्मी भी बहुत पड़ने वाली है, मतलब मेरा ना यहाँ से वापस जाने का कोई भी मन नहीं कर रहा, मतलब कभी भी नहीं करता। जब भी मैं मतलब गांव आता हूँ, अपने घर आता हूँ, तो हमेशा मैं करीबन एक डेढ़ महीना यहाँ पे स्पेंड करके ही जाता हूँ वापस। तो क्योंकि पहले तो स्कूल टाइम था, स्कूल टाइम में जैसे गर्मियों की छुट्टी पड़ जाती थी बीच में, या ठंडियों की छुट्टी थी होती थी, तो उस टाइम तो इतना वो नहीं था कि उस टाइम तो मतलब मैं एक डेढ़ महीना आराम से पूरा सारी छुट्टियां स्पेंड करके जाता था यहाँ से। लेकिन अब क्या है ना, अब जैसे जैसे करके हम बड़े होते हैं और हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ती हैं और वही जॉब, फैमिली, सब कुछ देखना पड़ता है, तो जिस कारण मतलब एक महीना तो नहीं बट मेरे को 10-15 दिन तो हो ही गए यहाँ पे, तो इतना भी बहुत है। अगर मैं आज का आपको सीन बताऊं तो आज हमारा कहीं जाने का प्लान है, कहीं मतलब एकदम खूबसूरत जगह जाने का, होली प्लेस। तो अगर हम वहाँ गए तो आपको दिखाई दूंगा। तो गाइस 10 बज चुके हैं और हम निकल चुके हैं, जो अभी मैंने आपको कुछ देर पहले बताया होगा कि हम एक स्पेशल जगह जा रहे हैं। तो वो स्पेशल जगह है माँ भुवनेश्वरी देवी का मंदिर, जो कि बांगाट बिलखेत में है। हमारी मतलब कुल देवी भी है वो, तो हम माँ के दर्शन करने जा रहे हैं वहाँ पे, माँ भुवनेश्वरी देवी। तो आपको दिखाते हैं अब सीधा आगे। तो ये रही अपनी बाइक और वो सामने चाचा की बाइक वहाँ पे। तो गाइज लगभग 20-25 मिनट हो चुके हैं हमें घर से निकले हुए, और आपने बीच में देखा कि पैचेस मतलब कैसे थे, खराब पैचेस। तो अभी मैं यहाँ पे एक जगह पे रुका हूँ, यहाँ से मैं आपको मंदिर का व्यू दिखाता हूँ ऊपर से,
और मतलब यहाँ से एकदम क्लियर व्यू आता है, एकदम बहुत ही मस्त वाला व्यू आता है, तो वो दिखाते हैं आपको। तो आप ये देख सकते हैं कि पूरा नीचे ये बिलखेत है, और अगर आपको वहाँ सामने दिख रहा है तो यहाँ पे मंदिर है। ये अगर ये देख रहा आपको, ये है मंदिर माँ भुवनेश्वरी देवी का। तो हमें वहीं जाना है, तो बस अभी यहाँ से करीबन 15-20 मिनट लगेंगे, और यहाँ से अभी नीचे जाएंगे। एक दो टर्न्स हैं, अगर आप ये वाली रोड देख रहे हो तो यहाँ से होते हुए, फिर वहाँ से नीचे, फिर यहाँ से बिलखेत मार्केट में, और फिर वहाँ से राइट लेके सीधा माँ भुवनेश्वरी देवी के मंदिर में। तो अब सीधा वहीं आपको दिखाते हैं। तो ये हम पहुँच चुके अभी बिलखेत में, और ये बिलखेत का मार्केट है। और अगर मैं यहाँ पे बीच में सेंटर में हूँ, तो अगर आप यहाँ से लेफ्ट लेते हैं तो लेफ्ट के लिए रोड जाती है सतपुली और कोटद्वार लैंसडाउन, और अगर आप यहाँ से राइट लेते हैं तो राइट में पड़ता है मंदिर माँ भुवनेश्वरी देवी का, तो जहाँ हम जा रहे हैं। और जहाँ से हम आए हैं पीछे वाली रोड, ये ऊपर जाती है घड़ियाल कांस्केत और आगे पौड़ी। तो गाइज हम पहुंच चुके हैं मंदिर में, और बाइक हमने ऊपर रोड में ही पार्क कर दी है। हालांकि पार्किंग अंदर तक है, बट वहां पे काफ़ी धूप भी लगी हुई है, और जहां पे हमने पार्क किया बाइक, यहां सामने यहां पे पेड़ के नीचे, तो वहां पे छाव भी है। और एक रीज़न ये भी है कि अगर कहीं भी धार्मिक स्थल में जाओ या कहीं भी मंदिर में जाओ, तो पैदल चलना ही मतलब सबसे अच्छा माना जाता है। तो दैट्स व्हाई हम यहाँ पे एक द्वार से, जो गेट है एंट्रेंस वाला, वहाँ से हम मंदिर तक पैदल जाएंगे। अभी हम मंदिर के दर्शन कर चुके हैं, और काफ़ी मतलब एक अच्छा रिलीफ महसूस हुआ, मतलब मंदिर में आके। हमारी कुल देवी का मंदिर है, तो मास्क इज़ मैंडेटरी, और मतलब बाहर बड़े बड़ी बोर्डिंग में भी लिखा हुआ है विदाउट मास्क नो एंट्री। तो अगर आप कहीं भी ऐसे पब्लिक प्लेस या फिर कहीं भी आप मतलब आप घर से कहीं भी बाहर जा रहे हैं, तो मास्क जरूर पहन के जाएँ। तो अभी मंदिर के दर्शन किए, तो
अभी पीछे भी मंदिर है तो वहाँ भी आपको दिखाते हैं। तो यहाँ से नीचे है, ये मंदिर का बैक साइड है और यहाँ पे माँ शिव पार्वती की मूर्ति लगी हुई है और शिवलिंग और कुछ मंदिर यहाँ पे भी हैं। तो ये पीछे आपको मैंने मंदिर दिखाया, काली माता का मंदिर, भैरव बाबा का मंदिर और इधर नरसिंह देवता और शेषनाग जी का मंदिर था और यहाँ पे शिव शंकर भोलेनाथ, माँ पार्वती देवी और ये शिवलिंग। जय हो भोलेनाथ, हर हर महादेव। और ये मंदिर का बैक साइड है और अभी आपको फिर फ्रंट साइड ही चलते हैं। तो मतलब ये मंदिर एकदम इतनी मस्त लोकेशन पे है ना, यहाँ से आपको मैं इस साइड का व्यू दिखाता हूँ। अगर आप इस साइड देखें तो ये पूरी नयार नदी है जो कि इस साइड सतपुली से आती है और आगे ये आगे जाते हुए ये प्रयाग से पहले ब्यास घाट पड़ता है तो वहाँ पे ये माँ गंगा नदी में मिल जाती है। तो ये मंदिर है और इस साइड बजरंगबली का मंदिर। जय हो बजरंगबली। तो ये गणपति भगवान का मंदिर है, श्री गणेश जी का। जय हो गणपति भगवान। और यहाँ पे लिखा हुआ है भुवनेश्वरी मंदिर वैदिक यज्ञशाला, तो मुझे इतना एग्जैक्टली नहीं पता लेकिन हाँ यहाँ पे बीच में हवन कुंड बनाया हुआ है। तो अगर जो बड़े लेवल पे लोग यज्ञ करवाते हैं अपनी फैमिली के साथ, अपने रिलेटिव के साथ, तो वो शायद यहाँ पे होता होगा वैदिक यज्ञ। और इस साइड ये नयार नदी। तो ये दिखाया आपको मंदिर और इस साइड में आपको विद्यालय दिखाता हूँ, संस्कृत विद्यालय माँ भुवनेश्वरी देवी का। तो काफ़ी मतलब विद्यार्थी होते हैं जो यहाँ पे पढ़ने के लिए आते हैं संस्कृत विद्या, और नॉर्मल लैंग्वेज में कहूँ तो जो पंडित की शिक्षा होती है पंडित बनने की, तो वो यहाँ से ले सकते हैं। और काफ़ी बच्चे, काफ़ी लड़के यहाँ पे आते भी हैं और सीखते भी हैं। ये हॉस्टल है और उस साइड स्कूल है। उस साइड अगर आपको दो बिल्डिंग्स दिख रही हैं तो वो स्कूल है, वहाँ पर लिखा हुआ है आदिशक्ति माँ भुवनेश्वरी देवी संस्कृत विद्यालय। तो बिल्कुल एकदम खूबसूरत यहाँ पे पीपल का पेड़ है, इसके नीचे छांव में आप बैठ के ठंडी ठंडी हवा ले सकते हैं गर्मियों के सीजन में। तो अभी चलते हैं घर की तरफ। और मतलब यहाँ आके ना एकदम ऐसा महसूस हुआ कि मतलब मैं बहुत ही एकदम खूबसूरत जगह जो कि है ही। अगर आप लोग भी यहाँ आना चाहते हो और आप लोगों को नहीं पता कि ये मंदिर कहाँ पे है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप लोग कोटद्वार, तो आप सभी को पता ही होगा कोटद्वार, कोटद्वार से अगर आप सतपुली आओगे और सतपुली से फिर जो देवप्रयाग वाली रोड कटती है, देवप्रयाग बांगाट वाली रोड, तो आपको उस वाली रोड पे आना है और वहाँ से फिर आपको बिलखेत आना है और बिलखेत से सीधा आके अगर आप देवप्रयाग वाली रोड पे आओगे तो देवप्रयाग वाली रोड पे ही बिलखेत से करीबन 2 किलोमीटर की दूरी पे ये मंदिर है जो कि आपको मेन रोड से देखी जाएगा। ये सामने मेन रोड है जहाँ पर हमने बाइक पार्क की थी, तो यही रोड आगे जाके देवप्रयाग जाती है सतपुली से। तो आप लोगों को यही कहूँगा अगर आप आना चाहते हो तो आ सकते हो, और मैं डिस्क्रिप्शन में यहाँ की लोकेशन और प्रॉपर एड्रेस डाल दूँगा, तो आप लोग
आ सकते हैं यहाँ पे, और मैं आपको सजेशन दूंगा आप प्लीज़ ज़रूर एक बार यहाँ पे ज़रूर आएँ और माँ भुवनेश्वरी देवी के दर्शन करें। बट गाइस अभी क्योंकि कोविड के चक्कर में अभी कोविड चल रहा है, तो उस वजह से अभी मंदिर में मतलब बिल्कुल भी भीड़ नहीं है, जो कि काफ़ी अच्छा है। और वहाँ पे सिर्फ एक दो और थे जो श्रद्धालु थे, और दो हम थे बस, बाकी और कोई नहीं था मंदिर में। बाकी जो मंदिर में रहते हैं वहाँ के पंडित जी, तो वही थे वहाँ पे, और जो मंदिर की देख रेख करते हैं वही थे। बाकी काफ़ी अच्छा लगा यहाँ के, दोबारा ज़रूर आएंगे। और अभी घर के लिए चलते हैं, एक बार आखिरी बार आपको मैं मंदिर दिखा देता हूँ। तो ये मंदिर का रास्ता है और वो सामने मंदिर। जय माँ भुवनेश्वरी देवी। तो गाइज़ हम पहुँच चुके हैं घर पे, और अभी लंच करते हैं और फिर थोड़ा रेस्ट करेंगे। तो गाइज़ अभी टाइम आ चुका है वीडियो को एंड करने का। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके जरूर बताना, और शेयर कर देना अपनी फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ, और चैनल जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी वीडियोस देखते रहें, और ऐसी वीडियोस मैं अब तक लाता रहूँगा। और बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए।